लोग के लिए तारीफ शुरू से ही हो रही है, जैसे शो शुरू हुआ है, आपको पर्सनली क्या सबसे ज़्यादा पसंद है अपने लुक में और एज चूज़ करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे अपने सारे ही लुक सो फार काफ़ी अच्छे लगे हैं और मुझे बहुत कुछ करने को मिल गया है इन वन शो, यू नो, जो यूजुअली होता नहीं है, क्योंकि फ्रॉम द फेमिनिन यू नो फेमिनिन कलर्स, वेरी वेरी लाइट कलर्स, फेमिनिन ज्वेलरी, वेरी डिफरेंट, लिटिल इजिप्शियन, लिटिल पर्शियन एंड इंडियन काइंड ऑफ अ टच इन द बिगिनिंग. देन फिर जब वो रूलर बन जाती है तो देन शी स्टार्ट्स वेयरिंग मोर बोल्ड कलर्स, बोल्डर सिल्वेट्स, यू नो, बिग स्कर्ट्स, पीछे भी बहुत बड़ी जैसे उसकी ट्रेन और केप्स एंड ऑल दीज थिंग्स. फिर एक टाइम आया जब वॉरियर के कपड़े भी पहनने को मिले, तो आई वाज इन आर्मर और वो भी काफ़ी इंडियनाइज्ड वे में, बहुत ही इंडियन रखते हुए उसको, बट विद लाइक हैरम पैंट्स एंड आर्मर एंड एवरीथिंग. देन रिसेंटली मेरी मेहंदी हुई, सॉरी हल्दी हुई, शादी हुई, और हर एक चीज़ जो यूजुअली भी इन फंक्शंस में जैसा होता है उससे थोड़ा अलग था, बिकॉज हियर एक राजकुमारी की शादी हो रही थी, तो कीपिंग दैट इन माइंड एवरीथिंग इज़ वेरी ग्रैंड. सो कोई एक चीज़ चूज़ करनी काफ़ी डिफ़िकल्ट होगी, मतलब फ्रॉम माई लुक विच इज़ ऑब्वियसली माई कॉस्ट्यूम्स टू माई मेकअप, हेयर, जो कुछ भी है, पूरा जो है, जो एक तरह से एक चंद्रकांता का सिग्नेचर जो लुक है इस शो में, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है. तो मैं कोई एक चीज़ चूज़ नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज आई हैव प्लेड अ लॉट ऑफ शेड्स, तो मुझे वो सारे ही शेड्स अच्छे लगे हैं और सब कुछ एक एक तरह से एक ग्राफ रहा है. वो पहले जो चुलबुली एक यंग लड़की थी, फिर वो एक जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो वो उसके लुक में भी, यू नो, द हेयर इज़ हाफ टाइड, ज्वेलरी काफ़ी बड़ी हो गई है. अब आजकल शी इज़ मोर फेमिनिन अगेन. नाउ इन द कमिंग एपिसोड्स जब आप देखेंगे तो एक और लुक चेंज होने वाला है, जो कि हमारे नए प्रोमो में भी चल रहा है, जहाँ पे ज्वेलरी वगैरह बहुत एलैबोरेट है. तो हाँ, मतलब आई थिंक बेसिकली जस्ट दिस होल, जो मेरा जो ड्रेपिंग स्टाइल था शुरू का, जो काफ़ी डिफरेंट था, और जिस तरह की मेरी ज्वेलरी है, वो आई थिंक हाईलाइट होगी. डिपेंड करता है, मैं काफ़ी चीज़ें हर जगह ही पहना होता है, बिकॉज यू नो अगेन इट्स अ राजकुमारी, तो राजकुमारी के यू नो मतलब अब उसके पास शी इज़ अ वेल्दी राजकुमारी, तो वो सब वो पहनती है और काफ़ी खूबसूरत भी लगता है, क्योंकि हम लोग रियल लाइफ में इतनी एक्सेसरीज कहाँ पहनते हैं, यू नो, स्पेशली मी, मैं तो बहुत ही मिनिमल, यू नो, आई बिलीव इन मिनिमलिज्म, सो टू से. तो यहाँ ऑन स्क्रीन मुझे सब कुछ पहनने को मिलता है. ऑल्सो इससे पहले भी मैंने काफ़ी गर्ल नेक्स्ट डोर और वैसे रोल्स किए हैं, जहाँ मैंने ये सब ताम झाम कभी किया नहीं. तो बिकॉज इट्स अ फर्स्ट टाइम फॉर मी, बिकॉज इट्स अ फर्स्ट कॉस्ट्यूम ड्रामा, आई मीन माई फर्स्ट कॉस्ट्यूम ड्रामा, आई एम लाइकिंग इट सो फार. आपने जैसे कि बोला कि आपकी हर एक ड्रेस कुछ ना कुछ डिपेंड करती है, तो ये जो लुक है वो क्या डिपेंड करता है? ये तो एक्चुअली दिस वन ऑफ द ओरिजिनल चंद्रकांता लुक्स, जो शुरू में जो 3-4-5 जो लुक्स जो डिसाइड हुए थे, ये उनमें से एक है. अभी इसके पीछे केस वगैरह भी है, जो ऑब्वियसली इतनी हैवी है, क्योंकि मैं उसको सेट पे ही पहन पाती हूँ. दिस इज़ ऑल्सो सी डिपिक्ट, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक जो कलर स्कीम और जिस तरह के सिल्वेट्स हैं और कुछ हद तक मेरा हेयर स्टाइल, आई थिंक वो चेंज होता रहता है विद कीपिंग इन माइंड कि क्या ट्रैक चल रहा है. अपने फैंस को कुछ फैशन टिप्स देने चाहिए या कृतिका की, किस तरह से अपने आप को स्टाइल करें? और आई थिंक नोबडी नीड्स एनी टिप्स, आई थिंक जस्ट वेयर वॉट मेक्स यू फील ब्यूटिफुल एंड कम्फर्टेबल, बस दैट्स इट. आई थिंक इट्स जस्ट वी नीड टू रिमेंबर टू कीप इट सिंपल. ये सब हम लोग ऑन स्क्रीन करते हैं, इट्स ग्रेट. कभी मैं भी किसी शादी में फंक्शन में जाऊँ तो मे बी आई डू दीज एलेबोरेट थिंग्स, बट आई थिंक एवरी डे वी कैन जस्ट कीप इट सिंपल. एक नई चंद्रकांता और आने वाली है, तो जी कुछ कहना चाहती हैं उसके बारे में? मैंने देखा उनका प्रोमो, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लुक भी बहुत इंटरेस्टिंग है. देखिए, चंद्रकांता ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे कि देवदास हो गया, मुगले आजम, या यू नो रामायण महाभारत, जो कि कई बार बनाए गए हैं और बनाए जा सकते हैं. तो हर एक बार जब वो नई बारी बनता है तो उसमें एक अलग अपील होती है, तो आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू सी कि उसमें होने क्या वाला है. एक तरह शो है, आप उनके साथ काम भी कर चुकी हैं आपकी, तो उनके लिए कुछ कहेंगी? आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर एकता, आई हैव वर्कड विद हर, उन्होंने मुझे कितनी मोहब्बत है दिया. आई थिंक दैट इज़ अ शो जिसे लोग आज भी याद करते हैं, आज भी मुझे लोग रोड पे आरो ही बोल देते हैं, व्हेन आई गो अब्रॉड पीपल रिमेंबर दैट शो, दैट इज़ देयर. एंड आफ्टर द शो फिनिश्ड वी बिकेम गुड फ्रेंड्स ऑल्सो, सो शी इज़ ऑल्सो अ फ्रेंड. एंड वो जो भी करती हैं, चाहे वो फिल्में हो, डिजिटल स्पेस में जो उन्होंने अभी लॉन्च किया है वो हो, या उनके शोज़ हो, आई एम ऑलवेज चीयरिंग फॉर हर, बिकॉज आई एम अ फ्रेंड. आर यू रेडी फॉर कंपैरिजन?
Yeah, see, you have to be ready for comparisons because anyway Chandrakanta पहले भी बन चुका है, you know. तो जब वो पहले बना था almost like what कई साल पहले जब बना था, तो जब ये शो शुरू हुआ तभी मुझसे ये पूछा गया था कि आर यू रेडी फॉर कंपैरिजन, एंड नाउ अगेन व्हेन अनदर वन इज गोइंग टू कम देयर इज गोइंग टू बी कंपैरिजन. आई थिंक इट्स हेल्दी, आई थिंक इट्स फाइन, आई एम एब्सोल्युटली रेडी फॉर इट. फॉर ऑल द गरमागरम बॉलीवुड गॉसिप न्यूज़ एंड मोर, डाउनलोड द ज़ूम ऐप नाउ.